22 और 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी सहित प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रभारी, सारे लोग उपस्थित थे। पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आज हम लोगों ने जिलों के पदाधिकारियों की बैठक की है और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार 30 तारीख 31 तारीख से पहले पहले हमें सभी जिलों की बैठक हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने जो निर्णय किए हैं उन निर्णय को हम संगठनात्मक दल के नाते, हमारा संगठन है, हम नीचे तक अपनी तैयारी करेंगे और जो जो काम केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है काम के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। देखिए, सवाल यह है कि 24 का चुनाव बड़ा नजदीक है, आप लोग भी बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस नेता है सैफ पिट्रोजा, वो कह रहे हैं कि अयोध्या का जो मामला है वो लोगों की आस्था का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको चुनावी माहौल बना रही है, प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को भी लेकर उन्होंने सवाल उठाया। ये हमारी आस्था का, उनकी भी आस्था का विषय, हमारी आस्था का भी विषय, लेकिन ये वो लोग हैं जो भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं मानते।